इंदौर में धोखाधड़ी के कई मामलों के बारे में आपने सुना होगा, उनके तरीकों के बारे में भी पता होगा, मगर इंदौर में दो बदमाशों ने धोखाधड़ी के एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल किया जिससे अधिकारी भी हैरत में आ गए। बदमाश ने इस तरीके से बैंक के एटीएम से 4,99,000 रुपए निकाल दिए। बैंक को जब इसका पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत विजयनगर थाने में की। दरअसल एक घटना अक्टूबर की 5 और 6 तारीख की बताई जा रही है, जब बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरबीएल बैंक विजयनगर शाखा के बैंक मैनेजर पराग ओझात ने विजयनगर थाने में सोमवार को इसकी शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर में उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को उन्हें बैंक के विजिलेंस टीम से एक ऑफिशियल ईमेल मिला। इसमें उनकी ब्रांच द्वारा ऑपरेटेड एटीएम जो बैंक शाखा के पास में ही है, उसके 5 अक्टूबर को 27 संदिग्ध ट्रांजैक्शन से 2,70,000 रुपए और 6 अक्टूबर को 23 संदिग्ध ट्रांजैक्शन से 2,29,000 रुपए, इस प्रकार कुल 50 संदिग्ध ट्रांजैक्शन से 4,99,000 रुपए अज्ञात व्यक्ति ने निकाल लिए। इसमें ये बात भी थी कि अलग अलग बैंक के डेबिट कार्ड से ये ट्रांजैक्शंस किए गए हैं और एटीएम मशीन के साथ टैम्परिंग की गई है। विजिलेंस की टीम ने बैंक मैनेजर से संपर्क किया और बताया कि इस घटना में बदमाशों ने कार्ड लगाया, पिन डाला और राशि का डिस्टर्बेंट शुरू होने के दौरान बदमाशों ने मशीन के साथ टैम्परिंग की। बदमाशों ने मशीन में छेड़छाड़ कर 50 ट्रांजैक्शंस किए। जब इसकी जानकारी बैंक और पुलिस के अधिकारियों को पता चली तो वे भी हैरान हो गए। घटना का पता चलने के बाद बैंक अफसर विजयनगर थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने भी धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जिसमें दो युवक वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। विजयनगर टीआई रविंद्र गुर्जर का कहना है कि बैंक के मैनेजर ने इस घटना की शिकायत की। उन्होंने बताया कि एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट एंड एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड से 10,000 के कई ट्रांजेक्शन के बदमाशों ने मशीन में गड़बड़ी करके पावर प्लग निकाल कर इस प्रकार धोखाधड़ी की है। दो अज्ञात बदमाश सीसीटीवी में आए हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।